जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल और आप देख रहे हैं तपोटेक। एक्चुअली आज इस वीडियो में आपको कुछ नया करके दिखाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें आपको अपने कॉमेडी चैनल है अगर आपका, तो अगर आप कुछ ऐसी चीज शूट करते हैं, एक्ट शूट करते हैं, कहीं आप कुछ ऐसा शूट करें जहां ग्रुप में शूटिंग करना होता है, तो वहां आपको ऑडियो सेटअप को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पे आपका कैमरा जो होता है वो बहुत दूर होता है, और अगर आप कैमरे में कोई माइक लगाए हुए हैं तो उससे आपको उतना अच्छा सेटअप, उतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे घर पे अपने एक अच्छा और प्रोफेशनल शूट गन बना सकते हैं। एक्चुअली शूट गन क्या होता है, अगर आप अक्सर देखे होंगे जब कोई मूवीज रिकॉर्ड होती है तो कोई जब कोई बंदा या कोई एक्टर बोलता है तो उसके ऊपर एक माइक होती है जो कैमरे में तो नहीं आती है, लेकिन उसके ऊपर वो माइक रिकॉर्ड होती है, तो वो एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी आती है और माइक जो कैमरे में वो भी नहीं आता है। सो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप कैसे एक बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल शूट गन माइक बनाएंगे या शूट गन माइक्रोफोन बनाएंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सो गाइस, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे एक अच्छा और प्रोफेशनल शूट गन बना सकते हैं, वो भी अपने घर पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बोया का M1 माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि बोया का M1 माइक क्या होता है, इसकी जो केबल होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, इसकी जो रेंज होती है वो करीब 2.5 मीटर की होती है। सो ये आपके लिए शूट गन बनाने के लिए एकदम इनफ केबल है, यानी एकदम परफेक्ट केबल है आपके लिए शूट गन बनाने के लिए। सो अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इस जो हमने ये जो हमारा माइक्रोफोन है, यानी जो हमने बोया का M1 माइक लिया है, इसके लिए हम पहले इसमें जो ये ऊपर कवर लगा इसको निकाल देते हैं और इसका जो क्लिप लगी है इसको निकाल देते हैं। और देखिए क्लिप को और इसके कवर को, मतलब इसके ऊपर जो कवर लगा था उन दोनों को हमने निकाल दिया था। इन दोनों को हमने इसलिए निकाला है क्योंकि अभी हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं उसमें ये दोनों बहुत यूज में आने वाले हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपके घर में एक इस तरह से एक पाइप होगी जो व्हाइट कलर की है, आप अपने जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, हमने एक्चुअली वो वाली पाइप ली है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो आसपास मार्केट है या जो शॉप है वहां से ले सकते हैं ये पाइप। एक्चुअली मैंने ये पाइप इसलिए लिया क्योंकि ये पाइप बहुत ही हल्की है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस पाइप के अंदर ये माइक्रोफोन इसको इंटर कर देते हैं, मतलब इसको इस पार से इन करके इस पार से आउट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इन कर दिया है इसके अंदर, और देख सकते हैं कैसा लग रहा है। और अब हम इसमें एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, वो ट्रिक ये है कि अब हमने जो कवर और क्लिप निकाला था उसको यहाँ पे लगा देते हैं। पहले हमने लगाया ये क्लिप और फिर हमने लगाया ये कवर। एक्चुअली हमने इन दोनों को इसलिए निकाल दिया था क्योंकि क्लिप की वजह से अंदर नहीं आ पाता और इसका कवर जो था वो गंदा हो जाता। तो अब हमने देखिए, आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्मूथ आई है इन दोनों को लेकर। आप अगर हम इसे पीछे से खींच भी रहे हो तो ये निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें क्लिप को अच्छे से बैंड नहीं है इसको। तो आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया सूट आपको बन गया सिर्फ 1000 रुपए में। अब अगर आपके फ्रेंड्स आपके आसपास हैं तो अब आप क्या करें, जहां पे आपको रिकॉर्डिंग करना है आपका कैमरा दूर रखा हुआ है तो आप आपके फ्रेंड जहां बैठे हैं तो यहां पे बैठे हैं तो यहां पे, अगर कहीं और खड़े हैं तो उनके ऊपर, आप बहुत दूर से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस पाइप को बड़ी कर लीजिए और अपने जब जितनी दूरी से आप चाहते हो उतनी दूरी से आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। 1000 रुपए आप लगाकर बहुत अच्छा शूट गन बना सकते हैं। आप चाहे इसे फोन में लगाइए, चाहे DSLR में रिकॉर्ड करिए, चाहे जिस ऑप्शन से रिकॉर्ड करिए, चाहे आप इसे ओपन कहीं पर रिकॉर्ड करिए, पब्लिक में रिकॉर्ड करिए, कहीं अपने इन कमरे के अंदर कहीं रिकॉर्ड करिए, आपको बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इसे यूज करके आप एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोफेशनल शूट गन बना सकते हैं। सो इसकी ऑडियो सेटिंग कैसे कंट्रोल करनी है, इसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहे तो उसे पूरा देखेंगे तो आपको कैसे यूज करना है इसको, अपने और अच्छे ऑडियो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको वीडियो के पिछले डिस्क्रिप्शन में बताया है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी यार थोड़ा पैसा बच जाए और वो भी इस तरह के प्रोफेशनल और अच्छा
सूट गन बना सकते हैं अपने चैनल के लिए या किसी दूसरे पर्पस के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरीके से मजेदार और बेहतरीन ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब के टिप्स और ट्रिक्स वाली सीरीज जरूर देखिए। आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर वहां पे हमारे जितने भी यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स है वो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पोर्टेक।